हेलो बच्चों, चैप्टर 9 में मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ करवाई थी जो हम सीधी और उल्टी दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे यूज़ करते हो। ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक आइडेंटिटी मैंने आपको कराई थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी या फिर टू ए बी डायरेक्ट। एक आइडेंटिटी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि टू इंटू ए इंटू बी। अब ये आइडेंटिटीज आपको इन क्वेश्चंस के लिए अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। जैसे कि एक्सरसाइज 9.1 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है इफ पी इंटू क्यू, पी क्यू यानी कि पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको पी क्यू दे रखा है 6 और पी प्लस क्यू दे रखा है आपको 5। अब आपको निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कैसे निकालोगे? अब याद आपको ये रखना है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपने निकालना है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कहाँ पर आएगा? इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है और माइनस का आपने खोला हुआ है। आपको निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। या तो ये आइडेंटिटी लगेगी आएगी क्योंकि इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। अब वो केस कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो डिपेंड करता है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये अब जैसे आपको जो गिवन है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 5, अगर मैं इसका करूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करते हो यानी कि पी प्लस क्यू स्क्वायरिंग करने का यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायरिंग करते हो तो इस पूरे के ऊपर और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर जाता है, अलग अलग प्लस में नहीं जाता। ठीक है, अब जब आपने पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर आपने किया तो आपको आइडेंटिटी पता है क्या होता है, और यहाँ पर आपने रीजन ज़रूर लिखना है यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, रीज़न हमेशा लिखना है। जब आप इसको खोलोगे इसमें अब ए की जगह आपके पास पी है और बी की जगह है क्यू, तो हम ए स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर, बी की जगह क्यू स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए की जगह पी बी की जगह क्यू इज इक्वल टू 5 पर स्क्वायर 25। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी, चलो हमने इसको अलग से लिख दिया। ठीक है, प्लस टू इंटू पी इंटू क्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट, यानी कि 6। तो पी इंटू क्यू की जगह आप लिख दोगे 6 और ये मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई रहेगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहीं पे रहेगा, 25 यहीं रहेगा, यहाँ पे आपका आएगा 2 इंटू 6 12, प्लस का 12 है, राइट, क्योंकि हमने प्लस का फॉर्मूला लगाया था, तो यहाँ पे जाके हो जाएगा वो माइनस। तो आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या चीज़ आई है 13। तो ये आपका आंसर है। अब जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी इसमें किस वैल्यू क्या होगी, तो आंसर इज डी यानी कि 13। दिस इज योर आंसर। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि ये तीनों का प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। अब देखो प्रोडक्ट हम लिख देते हैं, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और क्या दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, हमें ये तीनों दे रखे हैं। अब इसका आंसर क्या होगा वो ध्यान से देखना है। अब इसमें जो भी आइडेंटिटी यूज होगी मैं आपको बता देती हूँ, वो आपकी होगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऑपोजिट वाली यूज़ होगी, रीजन ज़रूर लिखना है, फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। अब जब आप यूज़ करोगे यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह एक्स बी की जगह वाई, सो तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने अलग से लिख दिया। अब इस केस में देखो जब आपने ये चीज़ करी, अब यहाँ पे फिर से एक चीज़ बन रही है, आप इसको अब ये स्क्वायर को स्क्वायर की जगह गिनने की बजाय अब ये देखो कि कोई एक टर्म है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को ए पुट करूँ वाई स्क्वायर को बी पुट करूँ, अगर मैं पुट करूँ ये सिर्फ एक एडिशनल स्टेप है ताकि आपको करना आ जाए, लेट्स पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी। जैसे आपने एक्स स्क्वायर को दोनों में पुट किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह आएगा ए माइनस बी
वाई स्क्वायर की जगह बी इंटू एक्स स्क्वायर की जगह ए प्लस वाई स्क्वायर की जगह बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह आपने वापस से पुट कर देनी है ए की जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, और ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर स्क्वायर खोलोगे तो एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर। अब इसको करने का एक और तरीका है कि अगर आपने ए और बी पुट नहीं करना तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं इसी स्टेप से आपसे दोबारा करवा रही हूँ आपको। यानी कि हमारा जो स्टेप आया था, हमारे पास स्टेप आया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम इस स्टेप पे पहुंच चुके थे जहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ए और बी पुट किया था। अब वो करने की बजाय यहाँ पे सीधा देखो कि ये सब आपने माइंड में लेट करना है कि ये हमारी पूरा का पूरा ए है, ये भी पूरा सेम है, ये भी पूरा सेम है, ये भी पूरा सेम है, चाहे पावर कुछ भी हो। आपने वो लिखना है जो हमारा फॉर्मूला था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह आपका एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डायरेक्ट माइनस बी स्क्वायर। अब बी की जगह आपका क्या है, वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर, और ये आपका पार्ट है सी। तो आपका आंसर है सी पार्ट। ओके, चाहे आप ए और बी पुट करके देखें या फिर डायरेक्ट करें, जैसे आपको ईजी लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको एक तरीके से करना है जो आपको ईजी लगे उससे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर टू, अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो वो आप वर्बली भी आराम से कर सकते हैं, कॉपी में आराम से अपने आप कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ डैश ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, डैश ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमने यहाँ पे करा, जो ये क्वेश्चन करे थे, तो फोर एक्स स्क्वायर को हमने एक्सपेंड कर दिया था, टू 25 वाई स्क्वायर को एक्सपेंड किया था, जैसे भी हमने किसी भी क्वेश्चन को एक्सपेंड किया था, उस एक मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में एक्सपेंड जो हमने किया था, यानी कि व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं उस ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन को, ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन यानी कि जो हम एक एक वर्ड को करते हैं, फोर एक्स स्क्वायर को टू इंटू टू इंटू एक्स इंटू एक्स किया, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो आपको गिवन एक्सप्रेशन या इक्वेशन दे रखी है उसके फैक्टर्स हैं वो, राइट। नाउ सेकेंड इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आपको ऑलरेडी लगाया हुआ है, ए प्लस बी ना लगाया हो तब भी आप खुद लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे अपने घर में खुद। थैंक यू।